जय हिंद। आज हम ज्योग्राफी से रिलेटेड एक टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है वायुमंडल यानी के एटमॉस्फेयर। ये जो टॉपिक हमारा रहेगा ये स्पेशल रहेगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इस टॉपिक से वो पूछे जाते हैं एसएससी में और सीएचएसएल में, यूपीपीएससी में, यहां से क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल यानी कि एक वायु का मंडल। ठीक है, मान लो कि ये हमारी है अर्थ, इलेप्टिकल शेप में है। ठीक है, ये है हमारी अर्थ। क्लियर। अब इस अर्थ को एक वायुमंडल ने क्या कर रखा है, घेर रखा है चारों तरफ से। ये है एटमॉस्फेयर। क्लियर, ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ को वायु ने चारों तरफ से, हवा ने चारों तरफ से क्या कर रखा है, एक आवरण दे रखा है। ठीक है, यानी कि चारों तरफ से हवा ने उसको घेर रखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वायुमंडल। अब देखिए, इस कंप्लीट ये जो पार्ट है अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसकी अलग अलग परतें हैं। इसकी अलग अलग क्या है, परत। उन परतों के बारे में डिटेल से पढ़ने से पहले मैं बताऊं कि ये कंप्लीट जो अर्थ ने, अर्थ को जो वायुमंडल ने घेर रखा है, वो कैसे घेर रखा है, किस तरीके से इस अर्थ को इस वायु के जो आवरण ने घेर रखा है, ये घेर रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सारे की सारी जो गैसेस हैं वो क्या कर रही हैं, इसको अपने ये पूरा का पूरा जो आवरण है वो पृथ्वी के चारों ओर लगा हुआ है। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि वायुमंडल, ये जो हमारा वायुमंडल है इसमें गैसें हैं। ठीक है, गैसों के अलावा और क्या है, जलवाष्प है, और इनके अलावा क्या है, धूल कण। क्लियर, क्या क्या चीजें हैं इस पूरे के पूरे वायुमंडल में, गैसें हैं, जलवाष्प हैं और धूल के कण हैं। क्लियर। अब बात करें कि गैसें जो हैं यहां पे, कौन सी गैसें हैं मुख्यतः, कौन सी होगी, नाइट्रोजन होगी जो हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और उनके साथ साथ जलवाष्प और धूल कण भी हमारे जो ये जो वायु का आवरण है इसके अंदर पाई जाती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि कौन सी गैस जो है वो कितनी मात्रा में है। ठीक है, अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है वो 78.07% है। नाइट्रोजन है 78.07%। क्लियर, और नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम गैस है जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। क्लियर। अब बात करें इसके बाद हम ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितनी पाई जाएगी, ऑक्सीजन रहेगी 20.93%। क्लियर। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके बाद आएगी ऑर्गन, लगभग रहेगी 0.93%। क्लियर, यानी कि हमारा जो ये वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, अर्थ को जिसने चारों तरफ से घेरा हुआ है, ये क्या है, ये हवा का एक आवरण है। ठीक है, जिसने अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है, इसमें कुछ गैसें हैं, जलवाष्प है यानी कि वाटर वेपर्स हैं, और धूल कण है। क्लियर। अब बात आती है कि वो जो गैसें हैं वो किस मात्रा में है, कैसे हैं। तो नाइट्रोजन रहेगी 78.07%, ऑक्सीजन रहेगी 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी 0.03%, और ऑर्गन रहेगी 0.93%। अब देखिए, अब बात करते हैं, ये तो गैसेस की बात होगी, अब बात करें जलवाष्प की और बात करें धूल कण की। देखिए, धूल कण के कारण ही हमें अपने जो आकाश है उसका रंग नीला दिखाई देता है। एसएससी में प्रश्न पूछा गया कि धूल, आकाश का रंग नीला हमें क्यों दिखाई देता है, किस कारण से दिखाई देता है, तो हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है धूल कण के कारण। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जलवाष्प की। जलवाष्प के कारण ही
जो हमारी अर्थ से, अब बात करेंगे सभी लेयर्स की, तो अर्थ से जैसे हम चलेंगे तो बात करेंगे एक क्षोभ मंडल की, ठीक है। तो क्षोभ मंडल में जो जलवाष्प होते हैं, और क्षोभ मंडल में जैसे क्या होता है, कोहरा होता है, ठीक है, धुंध होती है, हिमपात होता है, ओले गिरते हैं, बारिश होती है, इन सभी चीजों के लिए क्या उत्तरदायी है, जलवाष्प, क्लियर, यानी कि वॉटर वेपर्स, ये जो है इन सभी चीजों के लिए उत्तरदायी है। अब हम एक एक करके वायुमंडल की परतों के अध्ययन से पहले हम एक एक करके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, इन गैसेस का विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है, कि ये जो गैसेस हैं वो क्या काम आते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या जो हमारी परतें हैं, ठीक है, वायुमंडल की परतें, ठीक है। चलिए अब शुरू करें, बात करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन की, क्लियर, जो 78.07% है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में, क्लियर। बात करते हैं नाइट्रोजन की, देखिए ध्यान से सुनिए, नाइट्रोजन में क्या क्या जो चीजें हैं, नाइट्रोजन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट गैस है। नाइट्रोजन पहली बात एटमॉस्फेयर में सबसे मैक्सिमम है 78.07%। उसके बाद अगर नाइट्रोजन गैस ना हो तो चीज जो भी चीजें हैं उनके ऊपर आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, आग पर काबू पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस जो है वो चीजों को जल्दी से आग पकड़ने से क्या करती है, बचाती है। अगली बात, नाइट्रोजन जो गैस है वो पौधे ग्रहण करते हैं और पौधे उस नाइट्रोजन के माध्यम से क्या बनाते हैं, प्रोटीन, और प्रोटीन जो है वो हमारे भोजन का क्या है, एक मेन पार्ट है, क्लियर। यानी कि जो पौधे हैं खासकर फली वाले पौधे, जैसे जितनी भी दालें हैं, चाहे मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, चने की दाल है, मटर है, जितने भी फली वाले पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट्स के रूप में। नाइट्रेट्स के रूप में सभी जो फली वाले पौधे हैं वो नाइट्रोजन को लेते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं कि ये फली वाले पौधे, कोई भी पौधा जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकता। अभी हमारे एनवायरमेंट में 78.07% जब नाइट्रोजन है, नाइट्रेट्स के रूप में क्यों लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट जो गैसीय फॉर्म है उसमें नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये जो फली वाले पौधे हैं इनकी जड़ों में क्या होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, ठीक है, और ये वो जो होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेते हैं। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो फली वाले जो भी पौधे होते हैं ना उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें गांठ के रूप में ऐसे पाए जाते हैं, और वो यहां पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और फिर वो नाइट्रोजन जो है पानी के थ्रू जो है पौधा लेता है, और उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद वहां पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और यहीं से जैसे हम चना खाते हैं, मटर खाते हैं, इसीलिए इन सभी चीजों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है, क्लियर। अब बात करें नाइट्रोजन के बारे में हमने बात की, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, क्लियर। देखिए ऑक्सीजन अब कोई भी चीज है, अगर हमें कोई भी चीज जलानी है, कोयला जलाना है, लकड़ी जलानी है, कोई भी चीज जलानी है तो वो ऑक्सीजन के बिना जलेगी नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या हुई, वस्तुओं को या किसी भी चीज को, किसी भी ईंधन को जलाने में सहायक है, क्लियर। ऑक्सीजन क्या है, किसी भी चीज को, किसी भी ईंधन को जलाने में क्या है, सहायक है, क्लियर। और ऑक्सीजन का पता तो है, हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं जब सांस लेते हैं, क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो सबसे मेन काम इसका क्या हुआ, किसी भी ईंधन को जलाने में ये सहायक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है भाई, इसको क्या लिख सकते हैं हम, CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे भारी गैस होती है, क्लियर। अब सबसे भारी है तो जहां आग लगी है वहां आग को बुझाने में काम आएगी,
यानी कि जो अग्निशामक यंत्र हैं, ठीक है, उनमें भरी जाएगी। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तभी तो वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को हमारे लिए छोड़ते हैं, उसी ऑक्सीजन का प्रयोग हम करते हैं, क्लियर। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा भारी है, इसलिए जो हमारी पर्थ है, सबसे पहली लेयर, अर्थ की जो सबसे पहली लेयर है, तो इसमें पाई जाती है ऑक्सीजन, क्योंकि ये सबसे भारी है। तो सबसे भारी है तो जो भी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उसमें सबसे पहली लेयर शोभ मंडल में ये पाई जाती है मैक्सिमम, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ठीक है, हरित ग्रह प्रभाव के लिए भी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सेकेंड नंबर पे क्या है, वॉटर वेपर्स यानी कि जलवाष्प, क्लियर, और मिथेन भी है, लेकिन मैक्सिमम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली, हमने सभी नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा, क्लियर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि अर्थ जो है उसके ऊपर लेयर जो है वो किस प्रकार से बनी हुई है, क्लियर। देखिए, सबसे पहले हम वायुमंडल की पहली पर यानी कि क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल, अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मैं बार बार वीडियो में बताती हूं कि हिंदी में जो शब्द हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाला जो वर्ड है वो एज इट इज रहेगा, तो इसलिए हमें इसको याद करना चाहिए, क्या, ट्रोपोस्फियर, क्लियर। पहली जो परत रहेगी अर्थ से, पहली जो लेयर रहेगी किसकी, हवा की, यानी कि एटमोस्फेयर पढ़ रहे हैं, तो पहली जो परत रहेगी वो करीब करीब एवरेज जो हाइट मानी गई है वो मानी गई है 18 किलोमीटर, क्लियर। लेकिन अब अलग अलग जगह पे इसकी जो हाइट है वो अलग, देखो मैंने कैसे बना रखा है चित्र, कि यहां से यानी कि बीच में यहां क्या हो जाएगी, हाइट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दो चार जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी कि धरातल से जो ऊंचाई रहेगी वो करीब करीब औसत 10 किलोमीटर रहेगी, क्लियर। भूमध्य रेखा पर ऊंचाई रहेगी करीब करीब 18 किलोमीटर, और ध्रुवों पर इसकी जो हाइट रहेगी, इसकी जो ऊंचाई रहेगी किसकी, शोभ मंडल की, ट्रोपोस्फीयर की, वो रहेगी 8 से 10 किलोमीटर, क्लियर। तो पहली परत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज बताऊंगी, वो ध्यान से सुने। पहली बात क्या है कि ये जो परत है, पहली फर्स्ट जो परत है ट्रोपोस्फीयर, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पहली बात, वर्षा यही होगी, बादल यही बनेंगे, बादल का बनना, क्लियर, वर्षा होती है, बादल का बनना है, तूफान आता है, ठीक है, आंधी आती है, ठीक है, यानी कि सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं, बादल का बनना, बारिश का होना, तूफान आना, आंधी आना, झंझावात, सब कुछ, सारी जो चीजें हैं वो किसमें होंगी, वो होंगी हमारे ट्रोपोस्फीयर में, फर्स्ट परत में, पहली परत में, ठीक है, सारी चीजें। क्यों, अब देखिए, इसमें मैक्सिमम जो है, इस ये जो हमारी लेयर है ये कंप्लीट इन्वायरमेंट, कंप्लीट जो हमारा एटमोस्फेयर है, पूरा का पूरा जो एटमोस्फेयर है उसका 75% भार इसका अकेले का है, क्योंकि सबसे नीचे है ना, सबसे नीचे है तो सबसे ज्यादा भार इसी का है, करीब करीब 75% जो भार है वो सबसे ज्यादा किसका है, ट्रोपोस्फीयर का है, और सबसे ज्यादा जो घनत्व है, सबसे ज्यादा घनत्व भी किसका है, ट्रोपोस्फीयर का है, क्लियर। अब यहां क्या होता है, सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि सबसे भारी गैस है, अब सबसे भारी गैस है तो कहां मिलेगी, सबसे ज्यादा सबसे नीचे वाले पार्ट में, सबसे नीचे वाली परत में, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा कहां होगी, यहीं पे होगी, यहीं पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, क्लियर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि हरित ग्रह प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है, देखिए यहां समझते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि यहां गैसेस की एक लेयर हो जाती है, ठीक है, यहां से सन से जो है रेज आई, ठीक है, सूर्य की किरणें यहां आई, ठीक है, यहां प्रवेश कर गई, और यहां है कार्बन डाइऑक्साइड C2 है, यहां है मिथेन CH4, और यहां है जलवाष्प,
यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रोपोस्फीयर की। अब ट्रोपोस्फीयर में यहां पे एक परत बन जाती है गैसेस की, मोटी परत। उसमें क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, CH4 इसको हम बोलते हैं मीथेन, क्लियर, और जलवाष्प है यानी कि वॉटर वेपर्स, क्लियर। अब सूर्य की किरणें यहां से आई, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है सूर्य की किरणों को अंदर तो आने देती है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, वापस नहीं जाने देती। अब देखो यहां से किरणें आई तो अब रिफ्लेक्ट हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड ने वापस इसको बाहर नहीं जाने दिया, यहां से मीथेन ने बाहर नहीं जाने दिया और यहां से जो जलवाष्प है उन्होंने बाहर नहीं जाने दिया, तो क्या होगा, अब यहां पे होगा बहुत ज्यादा गर्मी होगी, क्लियर, क्या होगी, गर्मी होगी। क्यों, क्योंकि जो सूर्य की किरणें आई वो आ तो गई अर्थ तक लेकिन इन गैसेस ने एक आवरण बना रखा है जिसके कारण वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई, वापस नहीं जा पाई, क्लियर। तो अब यहां क्या होगा, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब यहां गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्लियर। लेकिन ये जो है ये कंबल का काम भी करता है, ये अर्थ को बहुत ज्यादा गर्म होने से और बहुत ज्यादा ठंडा होने से ही बचाता है, क्लियर। तो क्या क्या चीजें हमने ट्रोपोस्फीयर के बारे में पढ़ी, ध्यान रहे ट्रोपोस्फीयर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जो है SSC और CGL में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। वर्षा होना, बादल का बनना, तूफान, आंधी, झंझावात, सारे मौसमी घटनाएं, इनको हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट टर्म मौसमी घटनाएं, यानी कि मौसम की घटनाएं, क्लियर। मौसम की सारी घटनाएं कहां होती हैं, ट्रोपोस्फीयर में, क्लियर। अब इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात कि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फीयर से जैसे जैसे हम कुछ हाइट पे जाएंगे ऊपर, तो प्रति 165 मीटर जैसे ही हम ट्रोपोस्फीयर से ऊपर जाएंगे तो प्रत्येक 165 मीटर की हाइट पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा, कम होता जाएगा, क्लियर। यानी कि ट्रोपोस्फीयर से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रति 165 मीटर की हाइट पे जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा। मान लो यहां टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो आप 165 मीटर ऊपर जाओगे तो वहां 29 रह जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर, समझ आ गई ये बात। तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है, किसके बारे में है, वो ट्रोपोस्फीयर के बारे में है। आई होप आपको क्लियर है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समताप मंडल की बात करते हैं, ये पहला हमने पढ़ा शोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फीयर के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। इसके बाद बात करते हैं सेकंड स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल। देखिए जैसा नाम है समताप, यानी कि इस पूरी की पूरी परत में जो तापमान है वो समान रहता है, ठीक है। पहली बात समताप, सम का मतलब है समान, ताप का मतलब है टेम्परेचर, यानी कि इसका टेम्परेचर जो है वो समान रहता है, ठीक है, पूरी परत में। अब बात करें इसी परत में यहां क्या होता है, बिल्कुल यहां लास्ट का जो पार्ट होता है इसमें होता है ओजोन मंडल, यानी कि इसमें क्या पाई जाएगी, ओजोन गैस पाई जाएगी, ठीक है। यहां क्या है, ओजोन गैस, ओजोन मंडल पाया जाता है यहां पे, ठीक है। अब ये ओजोन मंडल क्या करता है, ओजोन मंडल जो है वो सूर्य से आने वाली जो हमारी जो प्रबैंगनी किरणें हैं, ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, क्लियर, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस प्रबैंगनी किरणों से ओजोन मंडल क्या करता है, हमें बचाता है। अब जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रेस आएंगी तो जो ओजोन मंडल है, जो ओजोन गैस है, ओजोन परत है, वो उनको क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, ठीक है, और कुछ ही मतलब बहुत कम भाग में उनको जो है वो पृथ्वी तक आने देती है। अगर प्रबैंगनी किरणें पृथ्वी तक बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाएं तो क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी और साथ साथ में जो है कैंसर जैसी भयंकर जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब देखिए, अब बात करते हैं ओजोन की, जो ओजोन गैस है, ओजोन जो लेयर है, ये देखा गया है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन जो लेयर है उसमें छिद्र हो गया है,
जिसके कारण पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, क्योंकि प्रावैंगनी किरणें जो है ज्यादा मात्रा में आ रही हैं अर्थ पे, तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ज्यादा बढ़ रहा है। अब अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो ये बहुत ज्यादा घातक हो सकता है, ठीक है। और कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं वो मतलब बहुत ज्यादा फैल जाएंगी, हद से ज्यादा फैल जाएंगी, क्लियर। अब बात करते हैं कि ओजोन, पहले समताप मंडल में एक और बात हम पढ़ें कि समताप मंडल जो होता है इसका तापमान समान होता है, इसमें किसी भी प्रकार की मौसम घटनाएं नहीं होती, ना इसमें बादल बनेंगे, ना इसमें किसी भी प्रकार की आंधी तूफान, किसी प्रकार की कोई भी मौसमी घटना नहीं होगी। तो इसलिए एरोप्लेन चलने के लिए ये आदर्श जगह है। क्या चलने के लिए? एरोप्लेन, यहीं पे देखो, यहां पे एरोप्लेन चलती है, क्लियर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुयान उड़ाने की जो आदर्श प्रथ है, आदर्श जगह है, वो क्या है? तो वायुयान सबसे ज्यादा मतलब वायुयान उड़ने के लिए आदर्श जो प्रथ है वो कौन सी है? समताप मंडल, इसी प्रथ में वायुयान उड़ाए जाते हैं, क्लियर। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसी प्रथ के बारे में। एक विशेष प्रकार का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है इसमें कभी कभी, जिन्हें क्या कहते हैं? मूलाभ मेघ। प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में, बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर प्रश्न आए कि मूलाभ मेघ कहां बनते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम से जाएगा कि भाई मेघ यानी कि बादल कहां बनते हैं। बादल तो किस में बनेंगे? क्षोभ मंडल में बनेंगे, यानी कि ट्रोपोस्फियर में। तो हम कभी भी हमारा ध्यान समताप मंडल की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन नोट किया है कि इस टाइप का क्वेश्चन, और एग्जामिनर बहुत शातिर होता है, वो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर डालता है। तो यहां जो विशेष प्रकार से मैंने लिखा है कि विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? मूलाभ मेघ, यानी कि मदर ऑफ पियल क्लाउड, क्लियर, मदर ऑफ पियल क्लाउड। तो इन मेघों का जो निर्माण होगा वो कहां होगा? समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में, क्लियर। अब बात करते हैं कि यहां तो देखो क्षोभ मंडल में तो जैसे ही हम ऊंचाई पे जाएंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन समताप मंडल से जैसे ही ऊपर जाएंगे हम टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्लियर। यहां पे टेम्परेचर ऊंचाई पर जाने पे कम हो रहा था और यहां पे टेम्परेचर जो है ऊंचाई पे जाने में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्लियर, अंडरस्टैंड।